हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से किसी के फेस की आउटलाइन को ग्रिड का यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं। और यह है A4 साइज़ पेपर, इसी में मैं आउटलाइन को ड्रॉ करूंगा। और यह है रेफरेंस, इसकी मैं आउटलाइन ड्रॉ करने वाला हूं। और अगर से आपको जो रेफरेंस इमेज चाहिए होगी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके ड्रॉ कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, रेफरेंस में ग्रिड अप्लाई करना होगा। तो रेफरेंस में ग्रिड अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना होगा। ड्राइंग ग्रिड सर्च करोगे प्ले स्टोर में तो आपको मिल जाएगी, मेरे पास ये पहले से है। तो मैं इसको सिंपली ओपन करता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके की एप्लीकेशन होगी, तो इसको मैं ओपन करूँगा, कुछ इस तरीके से ओपन होगा। और फिर इसके बाद मैं यहाँ से गैलरी वाले ऑप्शंस को क्लिक करूंगा यहाँ पे। और इसके बाद ऊपर तरफ वर्टिकल रहने देना है और नीचे तरफ A4 साइज सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए क्योंकि हमारा पेपर A4 साइज है इसलिए हम A4 साइज सेलेक्ट करेंगे। और इस तरीके से आपको गैलरी में जहाँ पे आपकी इमेज होगी वहाँ पे आपको उस इमेज को चूज़ कर लेना होगा, कुछ इस तरीके से। इसको हम फिर इस तरीके से एडजस्ट करके क्रॉप कर लेंगे इधर ऊपर। क्रॉप का मतलब यहाँ पे क्रॉप लिखा हुआ है, वहाँ पे हम क्रॉप कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए ग्रिड अप्लाई हो चुकी है। तो देखिए किस तरीके से अप्लाई हुई है ग्रिड। तो जहाँ से हम ये 3 डॉट पे क्लिक करके हम जहाँ से सेल का साइड सेलेक्ट कर सकते हो, आप कितने में ड्रॉ करना चाहते हो। तो हमको 1.5 सेंटीमीटर में ड्रॉ करना है, तो इसलिए यहाँ पर हम 15 mm, तो इससे क्या होगा 1.5 सेंटीमीटर हम ड्रॉ कर सकते हैं। और इफ़ेक्ट आप ब्लैक एंड वाइट कर सकते हो। और इसके बाद जहाँ पे ग्रिड लाइंस का मतलब ग्रिड लाइंस का कलर चेंज कर सकते हो, मैं अभी इसको वाइट कर दूंगा। देखिए कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब इसके बाद जहाँ से नीचे तरफ सो रियल साइज़ है, तो इससे A4 साइज़ में हम सो रियल साइज़ में इमेज को ओपन कर सकते हैं। तो देखिए अब इसको साइड में रख के मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले तो मैं अभी पेपर में ग्रिड ड्रॉ करना होगा हमको। तो इसके लिए क्या करना होगा, स्केल से 1.5 सेंटीमीटर पेपर में चारों तरफ मार्क कर लेना होगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से मार्क कर लेंगे, चारों तरफ मार्क करना है अच्छे से। अब इसके बाद मैं इसमें ग्रिड ड्रॉ करूँगा कुछ इस तरीके से। ग्रिड ड्रॉ करते समय ना एकदम लाइट पेंसिल का यूज़ करना है ताकि वो सिर्फ हमें दिखे, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क होगी तो हमको उसको इरेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और फिर बाद में वो इरेज नहीं होती, तो इसीलिए लाइट ड्रॉ करना। तो देखिए ग्रिड ड्रॉ हो चुकी है। अब इसके बाद मैं जहाँ से नंबर भी डाल लूँगा इस तरीके से। अब इसके बाद हमको देखना है जहाँ से, पहले मैं 100 रियल साइज़ में कर लूँगा। और फिर इसके बाद देखना है कि हमको जहाँ से ड्रॉ करना है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे कि मैं आई से ड्रॉ करूँगा तो वो वाला हिस्सा कहाँ से ड्रॉ करना है स्टार्ट करेंगे हम। और उसी तरीके से आपको फिर उस बॉक्स को देखना है, उसके आसपास के 5-6 बॉक्स को उसके आसपास के देखना है और ड्रॉ करना है उसी साइज़ का और उसी तरीके से। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं आई से ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड वाली आई से। अभी देखिए आई से ड्रॉ करते हुए मैं दोनों आईज को पहले ड्रॉ कर लूँगा, फिर उसके बाद मैं उनसे देख करके आईब्रो को ड्रॉ करूँगा, दोनों तरफ के आईब्रो को। तो देखिए मैं किस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। आउटलाइन को ड्रॉ करते समय हमको ये नहीं देखना है कि अभी कैसा हो रहा है, जब ड्रॉ करके कंप्लीट हो जाएगा तब हमको समझ में आएगा कि किस तरीके से हुआ है। और उसके बाद भी समझ में नहीं आता है कभी कभी, तो जब हम उसमें शेडिंग करते हैं तो हमको समझ में आता है कि किस तरीके से ड्रॉ हुआ है।
और ड्रॉ करते समय जो आउटलाइन होती है वो एकदम हल्की आउटलाइन बनाएं, ताकि अगर से कहीं से गलत होती है तो हम उसको इरेज कर सकें, या तो फिर शेडिंग करते समय हम उसको छुपा करके, शेडिंग से छुपा करके उसको हम ठीक कर सकें। तो इस तरीके से काफ़ी लाइट आउटलाइन ड्रॉ करें। तो देखिए मैं भी इधर से ऊपर से हेड ड्रॉ करूँगा, और ये ज्वेलरी वगैरह जो है इनके लिए मैं मतलब रफ़ आउटलाइन जैसे बनाऊँगा। जब हम इसमें डिटेलिंग करेंगे मतलब शेडिंग करेंगे तब हम इसमें डिटेल वर्क करेंगे इसका। और इधर की जो ज्वेलरी वगैरह है इनको ही भी मैं रफ़ आउटलाइन ड्रॉ करूँगा, और इसके बाद हमारा स्केच कंप्लीट हो जाएगा। और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं इसकी शेडिंग करूँगा, तो देखिए कुछ इस तरीके से लगेगा। अभी मैं इसकी आउटलाइन को ग्रिड लाइंस को इरेज कर लूँगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।